नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर है कोतवाली बदलापुर क्षेत्र के एक गांव में एक बेटे ने अपनी सगी माँ के ऊपर फावड़े से हमला करते हुए किया घायल। खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि बुधवार को कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर ग्राम पंचायत निवासी विकास गिरी ने अपनी माँ संगीता देवी के ऊपर फावड़े से हमला करते हुए घायल कर दिया। स्वजनों की मदद से संगीता को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदलापुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा सिर में लगी गंभीर चोट को देखते हुए 7 टांके लगाए और बेहतर उपचार चल रहा है। जबकि पूछे जाने पर मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारा बेटा विकास गिरी हमसे शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा था, पैसा नहीं देने पर उसने गाली देते हुए सिर पर फावड़े से हमला कर दिया। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि मां की लिखित तहरीर पर बेटे के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे बेटों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने मां जैसे पवित्र रिश्ते की परवाह किए बिना चोटें पहुंचाई। यह खास रिपोर्ट थी जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए। बच्चे बच्चे को लेकर हुई मारपीट, जैसे मांग रहा था पैसा और वो बदमाश किस्म का जो है लड़का हमारा बदमाश है, बदमाश किस्म का वो है, दारू भी पीता है और इसके बाद जो है आज वही बात लेके पैसे की लेके आया, फरसे का बेट था उसी से मार दिया, सर फट गया और इसके बाद जो है वो मैं थाने पे आया, FIR लिखा।